गाइस, मैं हूँ ज्योति, आपकी गॉसिप गर्ल, और मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी खबर। वेल, हर कोई, यहाँ तक कि मैं भी, बाहुबली स्टारर प्रभास और श्रद्धा कपूर की मूवी, अपकमिंग मूवी साहो के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। वही आपको बता दें कि इस मूवी में एक बार फिर से बाहुबली स्टारर प्रभास एक्शन अवतार में नज़र आने वाले हैं। वो एक बहुत ही अलग किरदार में इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, और जितनी ही फैंस इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है, जो उनकी एक्साइटमेंट है, वैसे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो किस लेवल पर है वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जहाँ तक फैंस एक्साइटेड है, उतनी ही एक्साइटेड खुद बाहुबली सर प्रभास भी है। हमारे प्रभास भी इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वेल, बाहुबली 2 के बाद फिर से बहुत काफ़ी समय के बाद फिर से प्रभास एक बार फिर से अपने दर्शकों से रूबरू होने वाले हैं, वो भी साहू के ज़रिए। वही बता दें कि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि एक तो सबसे पहले साउथ सुपरस्टार प्रभास की मूवी है, और प्रभास अब हर किसी के दिल में बसते हैं, वो हर किसी के फेवरेट बन चुके हैं। तो वही बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इस मूवी में उनकी ऑपोजिट नज़र आने वाली है। फैंस की जो एक्साइटमेंट आप सब समझ गए होंगे कि वो क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक तो सबसे पहले वो बाहुबली सारा प्रभास की मूवी है, और दूसरी बात कि हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर उनके साथ इस मूवी में रोमांस करते हुए नज़र आने वाली है। तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री वो इसमें देखने वाली बात बनती है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने वाला है कि प्रभास और श्रद्धा कपूर स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आने वाले हैं। वही बता दें कि इन दिनों जो मेकर्स है वो इस मूवी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। टीज़र के बाद, काफ़ी पोस्टर्स के बाद, और इस मूवी के ट्रेलर के बाद, इस मूवी के फर्स्ट सॉन्ग के बाद, अब फाइनली इस मूवी का दूसरा सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है। वेल, इसके पहले इस मूवी से कई पोस्टर्स रिलीज़ किए गए हैं, टीज़र भी रिलीज़ किया, ट्रेलर भी रिलीज़ किया, फर्स्ट सॉन्ग भी रिलीज़ किया, जिससे दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। अब इस मूवी का सेकेंड सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है इन्नी सोनी। इस सॉन्ग के टीज़र को रिलीज़ करने से पहले इस सॉन्ग का एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पर श्रद्धा कपूर और प्रभास ही क्यूट सी केमिस्ट्री नज़र आती, इतनी प्यारी केमिस्ट्री थी इस पोस्टर में, उनका जो प्यार है वो झलक रहा था। अब इस पोस्टर के बाद मेकर्स ने इस सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ किया, और आपको बता दूं कि इस टीज़र को रिलीज़ करते ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा है। दर्शकों को ये इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है टीज़र कि दर्शक आप कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो फैंस, आपको पता चलेगा कि फैंस इस मूवी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये टीज़र ही बयान करती है कि जब टीज़र को दर्शक इतना ज़्यादा पसंद कर रहे तो सॉन्ग कितनी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वेल, आपको बता दूं कि ये टीज़र को रिलीज़ हुए बस कुछ ही घंटे हुए, लेकिन इसे अब 5 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, दर्शक इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वेल, अगर बात करो इस सॉन्ग के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सॉन्ग होने वाला है। ये इस साल का रोमांटिक नंबर तो ज़रूर साबित होगा, क्योंकि सबसे पहली बात इस सॉन्ग का USP ये होगा, क्योंकि एक तो ये रोमांटिक जो सॉन्ग है वो प्रभास और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया है, और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे सभी के फेवरेट गुरु रंधावा है, क्योंकि इसमें जो आवाज़ है वो गुरु रंधावा की आवाज़ दिख गई है। यानी और ये बात भी है कि इसमें जो ये सॉन्ग है, इन्नी सोनी सॉन्ग है, इसे लिखे भी गुरु रंधावा ने ही है। अब हर कोई फिंगर क्रॉस्ड और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है इस सॉन्ग का, क्योंकि टीज़र तो रिलीज़ कर दिया है और टीज़र वैसे भी फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो अब सॉन्ग का वेट किया जा रहा है। तो वही बता दें कि इससे पहले साइको सैया सॉन्ग रिलीज़ किया गया था, जो कि ये भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा था, इसे भी दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। अगर देखा जाए तो इसे, साइको सैया के बारे में बात की जाए तो इसे अब, मतलब रिलीज़ के बाद अभी इसे 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, मतलब कि ये इस साल का पार्टी नंबर तो साबित हो ही चुका है। अब जब सॉन्ग इतने ब्लॉकबस्टर है, टीज़र इतना ब्लॉकबस्टर है, ट्रेलर इतना ब्लॉकबस्टर है, तो जाहिर सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। वेल, ये मूवी 30 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, और आई एम श्योर कि धमाल ही धमाल मचाने वाली है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मूवी जो है वो पहले 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन ये मूवी बॉलीवुड की दो बड़ी मूवी से क्लैश कर रही थी, यानी कि अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल से और जॉन अब्राहम की मूवी बाटला हाउस से क्लैश करती, इसलिए मेकर्स ने इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन कर दी। अब ये मूवी 30 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, और ये सिनेमाघरों में धमाका मचाएगी, धमाल मचाएगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो इस मूवी के इन्नी सोनी सॉन्ग के टीज़र को, वेल, मैं इस सॉन्ग को लेकर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो
इस मूवी के टीजर को मैं देना चाहूंगी 3.5 स्टार। अगर आपने इस सॉन्ग की टीजर यानी कि इन्नी सोनी सॉन्ग टीजर को देखा तो ये आपको कैसा लगा, और आप इस टीजर को देखने के बाद, सॉन्ग टीजर को देखने के बाद, आप गाने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, प्रभास और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री आपको इस सॉन्ग में कैसे लग रही है, और आप इस साहो मूवी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, ये मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।